पर गोरखपुर समाचार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। कुछ गुमनाम लोग ऐसे होते हैं जिनको गोरखपुर समाचार अपने इस चैनल के माध्यम से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करता है। जैसे जिस मकान में हम बैठ कर इंटरव्यू कर रहे हैं, इस मकान के न्यू में कहीं न कहीं कोई ईंट इस मकान को खड़ा किए हुए है। उसी प्रकार से संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अपने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे बगल में विनोद त्रिपाठी जी हैं और आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं केवल नाम बता रहा हूँ, स्वयं अपना परिचय देंगे। सर, गोरखपुर समाचार में आपका स्वागत है, अपना परिचय बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पहले तो आप लोग हमारे लिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हैं, इसके लिए पहले दिन से आप लोगों का शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरा नाम विनोद त्रिपाठी है, मैं भारतीय नौसेना से रिटायर्ड हूँ और अभी मैं केंद्र कल्याण बोर्ड का मेंबर भी हूँ, लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ मैं अखिल भारत हिंदू महासभा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का आपने बताया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। अभी एक मुद्दा आया था कि राम मंदिर में किसी भी प्रकार से VIP मोबाइल नहीं जाएगा, क्योंकि आम आदमी का मोबाइल बाहर लॉकर में जमा हो जाता है। ये लड़ाई आपने लड़ा, मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला, तब मैं आपके पास आया हूँ। क्या पूरा मामला रहा, थोड़ा सा बताने का कष्ट करूँ? मैं खुद ही राम मंदिर का उद्घाटन के बाद दर्शन करने गया था और मैं एक साधारण व्यक्ति की तरह लाइन में लग के गया, लेकिन जब मैं मंदिर के प्रांगण में गया तो मैंने देखा कि लोग वहाँ पे फ़ोटो खींच रहे थे। कौन लोग फ़ोटो खींच रहे थे? आम पब्लिक, जो पैसे के दम पे मोबाइल और VIP दर्शन के नाम पे शॉर्टकट रास्ते से अंदर घुसे थे और अपने साथ मोबाइल भी ले गए थे। हम लोगों ने मोबाइल जमा किया था, लॉकर में रखा था, और वहाँ जाके जब हमने देखा कि आम लोग पैसे के दम पे ये काम कर रहे हैं, हमें बहुत ख़राब लगा। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र द्विवेदी जी से बात किया और हम लोगों ने 13 अप्रैल को सब लोगों ने मिल के एक ज्ञापन अपने माननीय क्या ज्ञापन करते थे। मोबाइल है क्या? मोबाइल में मेरे वो कॉपी है और हमने वो ज्ञापन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा था। अच्छा, ये बताइए, चुनाव का माहौल चल रहा है, आप एक छोटे से आम नागरिक थे, इसको मैंगो मैन कहा जाता है, और इतनी छोटी सी बात को उन्होंने संज्ञान में लेते हुए इसको मुहिम को चलाया और प्रतिबंधित हुआ, तो माननीय प्रधानमंत्री क्या दो सब बताना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे संगठन के छोटे से निवेदन पे उन्होंने संज्ञान लिया। PMO से हमारा जो हमने दिया था पत्र, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, मेरे पास उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया है, और उसके बाद मुझे पता चला है कि परसों एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में DIG UP और कमिश्नर अयोध्या लोगों में बातचीत हुई है और इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अयोध्या की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं वही में जितने मंदिर हैं मैं वही आपसे कहना चाह रहा था कि यूपी ही नहीं, हम कहते हैं कि देश के सारे मंदिरों में इस तरह की चीज़ों पे प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल अंदर ले जाने से हमारे मंदिर का सिक्योरिटी भंग होता है। मोबाइल अंदर ले जाने का अधिकार किसी के पास नहीं होना ठीक है। VIP ड्यूटी में मोबाइल नहीं जाएगा, लेकिन जो हमारे प्रतिनिधि हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, क्या इनका भी ले जाना प्रतिबंधित हुआ है कि केवल आम आदमी का? अभी तो इनके लिए प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ये वीडियो बना के नॉर्मल वायरल नहीं करते हैं। आम पब्लिक जो पैसे के दम पे जाते तो उसको वीडियो बना के वायरल कर देते हैं, जिससे हमारी सिक्योरिटी बंद होती है। मैं तो चाहता हूँ कि किसी भी मान्य देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, इसके अलावा किसी को भी मोबाइल या VIP दर्शन का कोई भी सिस्टम नहीं होना चाहिए। जैसे कि भगवान के दर्शन के लिए भी, सर VIP दर्शन क्यों? भगवान के दर्शन के लिए भी अगर हम VIP रूट खोजें तो हमें लगता है कि ये गलत है। अभी केदारनाथ बद्रीनाथ में मुख्य सचिव आदेश आया कि 200 मीटर तक मोबाइल फोन से बैन है, क्योंकि वहाँ पर यूट्यूबर्स और जो ब्लॉगर थे वो जा करके उधम मचाए हुए थे। क्या इस तरह से भी यहाँ पर 200 मीटर का बैन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने, और प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड में इस तरह से रूल एमिशन लाया है, और हम उनसे निवेदन करेंगे कि यह रूल भारत के हर मंदिरों में होना चाहिए और हर मंदिर में सिक्योरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे भगवान की सिक्योरिटी होनी चाहिए, वहाँ पे जो लोग हमारे पूजा अर्चन के लिए जो हमारे महंत हैं उनकी भी सिक्योरिटी मायने रखती है, तो इस पर टोटल प्रतिबंध होना चाहिए। 200 मीटर के रेंज जो उन्होंने निर्धारित किया बहुत ही
सही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में अखिल भारतीय हिंदू महासभा एक मील का पत्थर साबित करेगा, क्योंकि भूत का पालना में ही पांव दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो जो अभी तक पार्टी कहीं कहीं छोटे से स्तर पर काम कर रही थी, आज यह मोबाइल का प्रतिबंध लगाने के बाद कहीं कहीं भारत सरकार की नज़रों में आई है। इसके लिए मैं सर ये है मेरा वो दिखा रहा है, जैसे कि ये चिट्ठियां हैं, कृपया इसको जूम करके दिखाइए। ये चिट्ठी का वो है प्रारूप का जो मोबाइल में पड़ा हुआ है, हार्ड कॉपी आपके पास नीचे नहीं रख दी है, मैंने काफ़ी कोशिश किया नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं हिंदू अखिल भारतीय हिंदू महासभा आने वाले समय में राजनीति में एक अपना दमखम लेकर के उतरेगी, ऐसी आशा मैं करता हूँ। सर थोड़ी सी एक बात आपसे बताऊँ जी, क्या राजनीति में भी आप लोग आने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में? आपने बहुत सही प्रश्न किया है। मैं राजनीति के बारे में एक छोटा सा बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश में हमारे मोदी जी और योगी जी के नाम पे ही वोट मिल रहा है, तो सर हमें अपने जनप्रतिनिधि ऐसे चुनने चाहिए जो जनता के बीच रहें। हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी इतने लोकप्रिय क्यों हैं? क्योंकि वो जनता के बीच रहते हैं, जनता से कनेक्ट रहते हैं। और हमारे जितने भी सेलिब्रिटी हैं जो आज हमारे सांसद या विधायक बन के बैठे हैं, वो जनता के बीच कनेक्ट नहीं हो पा रहे, इसलिए प्रतिनिधि जाते हैं। उनके साथ का कहना है उनके प्रतिनिधि भी जाते हैं, वो भी ढंग से जनता के साथ बिहेव अच्छा नहीं करते हैं। हम लोगों को ग्राउंड लेवल पे पता चला है कि जब हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पे हमें वोट मिला है, तो हम अपने ग्राउंड लेवल के वर्कर को अगर सांसद और दूसरा टिकट दें, हम कितने एक मोदी से देश कैसे चला पाएंगे? हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 543 मोदी जी हम क्यों ना पैदा करते हैं, हमारे हर सांसद मोदी जी की तरफ क्यों नहीं होते हैं? अगर एक सांसद हमारा इतना अच्छा है जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, देश की सुरक्षा के बारे में आप बात करिए, देखिए उन्होंने कितना अच्छा किया, जो काम 70 साल आई है, अग्निवीर योजना आई है, इसको राहुल जी ने कहा बहुत बेकार है, मैं आऊँगा तो अग्निवीर को खत्म कर दूंगा। ये अग्निवीर के विषय में जो भ्रम लोगों के बीच में थोड़ा सा उसको बता दीजिए। सर राहुल जी अग्निवीर के बारे में जानते हैं? आर्मी के लिए मैं वही बात आपसे बता रहा हूँ कि मैं डिफेंस रिटायर्ड हूँ, मैं अग्निवीर के बारे में आपको बता सकता हूँ। सर किसी भी सेना को चलाने के लिए यंग होना बहुत ही आवश्यक होता है। जब भी हम सेना लड़ाई के लिए जाती है, अगर हम अग्निवीर नहीं लाते हैं तो हमारी सेना मॉडर्नाइज नहीं हो पाएगी, हमारी सेना यंग नहीं हो पाएगी। हम जब युद्ध में जाएंगे तो हमारे सारे जवान 50 प्लस के होंगे, हम लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। अग्निवीर लाने का मतलब ये होता है कि हमारे जनरेशन मिक्स हो, कुछ यंग हो, कुछ मिडिल हो, कुछ ओल्ड एज हो, सभी का मिक्स हो, और हमें ज़रूरत पे जब भी कभी सेना लड़ने का मौका मिले तो हमारे हमारे जो जनरेशन हो वो यंग हो, इसलिए लाया गया। और अग्निवीर में दिक्कत क्या है सर, 4 साल का सेना का कार्यकाल दिया गया, उस 4 साल में आपको पढ़ा के डिग्री भी दे रही है सरकार, उसके बाद 25 लाख रुपये दे रही है सैलरी के रूप में उनको जो भी दे रही है, उसके बाद सरकार ने हर सरकारी तंत्र में उसका एक फिक्स कर दिया है, उनके लिए एक वैकेंसी फिक्स कर दिया है। तो कहीं ना कहीं राहुल जी जो भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम कर सकते हैं, आप आर्मी मैन हैं, आपने कहा कि उनकी तमाम तरह की योजनाएं हैं भविष्य के लिए, भविष्य उनका उज्जवल है, भविष्य उनका उज्जवल है और उनके लिए इतनी योजनाएं हैं कि वो कभी बेरोजगार नहीं अच्छा रहेंगे। एक बात मैंने देखा है कि जो सैनिक वीरगत को प्राप्त करता है, शहादत पाता है, कुछ भ्रम फैलाया जा रहा है कि अग्निवीर जो आएंगे उनका दाह संस्कार साधारण ढंग से होगा, क्या ऐसा है क्या इसमें? सर राहुल जी पहले ये बतावें कि 70 साल से उन्होंने देश की सेना के लिए क्या किया? प्रधानमंत्री जी के आने से पहले मैं सेना से रिटायर्ड हूँ, हमारे लिए जैकेट बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं मिलता था। आज आपका देश अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स राइफल बना रहा है सर, हम आज तक 100% सामान बाहर से इंपोर्ट करके लाते थे, आज हमारा देश 60% सामानों का एक्सपोर्ट कर रहा है, आज हम सामान दूसरे देशों को बेच रहे हैं, आज यहाँ तक 10 सालों में मोदी जी ने ला दिया है। जिस बॉर्डर को चाइना बॉर्डर को 70 साल तक डेवलप नहीं कर पाई कांग्रेस गवर्नमेंट, जहाँ जाने के लिए हमारे जवानों को 72 घंटे लगते थे, मोदी जी ने 10 साल में इतना विकास किया है कि आज हमारे जवान 2.5 से 3 घंटे में चाइना बॉर्डर पर पहुँच सकते हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि चाइना इतना विरोध कर रहा है, आज तक विरोध क्यों नहीं करता था? क्योंकि डेवलपमेंट ही नहीं था। कहीं ना कहीं जो अग्निवीर के विषय में एक भ्रम फैलाया जा रहा है, एक आर्मी मैन का कहना है उसके लिए तमाम ऑप्शन खुले हैं जो अग्निवीर योजना में जाएगा, और वह 62 साल तक लगातार कहीं ना कहीं सरकारी संस्थाओं में प्राइवेट संस्थाओं में नौकरी पाएगा, और जो आज मोबाइल प्रतिबंध की बात रही वह आ करके पता चला कि आपके माध्यम से हुआ था। वास्तव में VIP दर्शन पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि यह परंपरा बड़ी
केवल हिंदू धर्म के मंदिरों में दिखाई देता है, मस्जिदों में कहीं नहीं है, गुरुद्वारे में नहीं कहीं वीआईपी दर्शन है, तो हिंदू मंदिरों में आखिर क्यों हो रहा है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है। गोरखपुर समाचार के लिए मैं डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, तारा इस वसुंधरा इंक्लेव पार्ट टू से मैं लगातार लाइव कवरेज करने आया था। मुझे जब पता चला कितना बड़ा साहसिक कदम आपने उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गोरखपुर समाचार आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को आप लोगों ने इतना समय दिया।